सलमान साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया है। अरे एक बात बताइए, कोई आप अगर आपको जो है गाली दे तो आप वो सही है या गलत है, ये बात बताइए। गलत है, नहीं देना चाहिए। तो एडम ने मुझे उस दिन रिमूव करके कितनी गालियां मुझे मारी थी, आतंकवादी क्यों बोला था? आपके मोहम्मद साहब ने गालियां दी हुई है ना? नहीं, मेरे मोहम्मद साहब की बात नहीं, तुम अगर इतने अच्छे इंसान, अगर गलत होती बात, अगर ये बात गलत होती तो आपके मोहम्मद साहब गालियां क्यों देते? नहीं, मेरे नबी ने कभी गालियां नहीं दी है। कुरान में आता है, कुरान में आता है, आयत नंबर 109 के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 109 के अंदर आता है। पढ़ के सुनाओ। तो लिखा क्या, मतलब उसमें क्या है, थोड़ा सा मैं भी सुनूं, पढ़ के सुना दीजिए। अरे भाई, मैंने कहा तो है कुरान में आपके नबी ने गालियां दी, मैंने, आपने कहा रेफरेंस दो। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 दे दी, अब आप पढ़ लें और मुद्दा रख दें, क्या टेंशन ले रहे हैं? अच्छा रुको, असल में मैं तफसीर में देख रहा हूं, तफसीर में आता जल्दी नहीं, तफसीर भी देखें, अच्छी बात है। يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم, तुम्हारे लिए मैंने पढ़ दिया। हां, अरे भाई ये अच्छाई के लिए इसको आप बुरा बना दे रहे हो। हैं, अब पढ़ लो ना, क्या है उसका मतलब बता। इसमें का इसे वला तसुबुल लदीना, आपके आपके नबी मोहम्मद, आप तफसीर पढ़ रहे थे ना, मैं तफसीर आपके सामने खोल दिया, मुझे पता है आप तफसीरों पे जाते हैं। ये देखिए, तफसीर आप पढ़ रहे थे, देखें, आपके नबी ने हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर आपके रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी। तो आपके नबी गालियां देते थे ना गैर मुसलमों को? नहीं, आम है, खास है, आप तफसीर पढ़ रहे थे, मैंने तफसीर आपके सामने ला दी है। अरे भाई, सुनो, क्या अरे भाई, साले ने कह दे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा नहीं है सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। किसकी तरफ है? तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत का शाने नुजूल बताया गया है कि ये आयत क्यों नाजिल हुई थी और कब नाजिल हुई थी। उसमें ये बताते हैं कि ये जो मुशरिकीन मक्का थे, इनको रसूलुल्लाह से ये प्रॉब्लम था कि वो उनके माबूदों को और उनको गालियां देते, गालियां नहीं देते थे, नहीं, ये कहते थे, जैसे मिसाल तौर पर आप पढ़ोगे तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी कहा जो है ये मुर्दा तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाता है, ये जिसको इब्राहिम की बात नहीं कर रहे, हमें शायद की बात करें, शायद में इब्राहिम नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सलमान इब्राहिम सलाम से अलग दिन, सलमान, अच्छा प्यारे भाई सलमान भाई, एक बात बताइएगा, ठीक है? जी जी, मैंने आपको कहा कि सलमान भाई आप बिरयानी खाते हैं, ठीक है? बिरयानी खाते हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा करते हैं कि सलमान भाई आप बिरयानी खाते हैं, ठीक है? सलमान भाई आप भी खाते हैं? सुनो ना, हाँ हाँ मैं भी खाता हूँ, सुनो तो सही। सलमान भाई आप बिरयानी खाते हैं? सलमान भाई एक बीमार इंसान को बीमार बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब जो बीमार इंसान है वो बोल रहा है सलमान मुझे गाली दे रहा है, ठीक है? क्या सलमान, थोड़ा टाइम नहीं, ये जो है बीमार इंसान को ये बोल रहा, वो बोल रहा है, सब जलेबी ना बनाइए। अब साफ साफ बात, मैं आपकी जलेबी सेट करने के लिए ये बता रहा हूँ। हाँ मैं, अरे भाई मैं अभी आ जाऊंगा, वो छोड़िए, वो इससे पहले भी आप जलेबी बना रहे थे जिससे कोई फायदा नहीं। सलमान भाई अभी फायदा, देखिए सलमान, लफ्जों से खेलना, देखो यही प्रॉब्लम है आपका, यही प्रॉब्लम है आपका, ठीक है? जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए, ताकि अब जो मैं मुद्दा आपके सामने रखूंगा तफसीर से, वो आपको भी समझ में आ जाए और जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है? प्लीज अब सुकून से इसका जवाब दीजिए। क्या सलमान भाई ने गाली दिया? एक मिनट, क्या सलमान भाई ने गाली दिया? मेरे हिसाब से आपने गाली नहीं दी है, आप क्या मानते हैं? बोलना गाली है, ये पहले ये बात बताइए, किसी बीमार को बीमार बोलना नहीं है, नहीं है, नहीं है,
तो फिर हाँ, तो नहीं आपने गाली नहीं दी ना, गाली बना लो आप जबरदस्ती किसी चीज को गाली बना लो। अरे तो मैं तेरे साथ चल रहा भाई, तेरे साथ चल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ गाली नहीं है तो सही कह रहे हो ना, आपने गाली नहीं दी ना, नहीं दी ना, अच्छा नहीं दी। लेकिन अगर मैं आपको यानी मैं किसी के सामने जहां पे आप भी मौजूद है ठीक है, वहां पे मैं ये कहूं कि सलमान गाली देता है, इस पे आपका जवाब क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा सलमान ने ये लफ्ज कहा। अब तीसरा आदमी हाँ, ये जो फैसला करेगा कि आया वो गाली है भी या नहीं है। हाँ नहीं नहीं, लेकिन आप क्या आप अपने दिफा में क्या कहेंगे, आपने गाली दी है कहेंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने गाली नहीं दी? आप सुनिए, हम ये कहेंगे कि भाई जान आप ये बताओ हमने क्या कहा था आपको जो आप गाली समझ गए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। रुक जाओ, अगर वो चीज अरे अरे रुक जा भाई, मिल गया तेरा जवाब आ गया, रुक जा तेरा जवाब आ गया, रुक जा भाई तेरा जवाब आ गया और तूने बहुत सही कहा। तू ऑब्जेक्शन उठाएगा, तू ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई साबित कर मैंने गाली दी, या तू ये कहेगा कि मैंने गाली दी ही नहीं, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, राइट? अच्छा बोलो बोलो, सही बात है ना, ये जो जितना अभी मैंने लिखा है गाली नहीं दी या साबित कर के मैंने गाली दी है ना। तू ये नहीं कहेगा कि ठीक है अभी से हम तुमको गाली नहीं देंगे, थोड़ा भी नादान हो गया ना इतनी बुरी तरह चूतिया बनेगा। अभी देख कैसा चूतिया बनता है यार। हाँ अब देख कैसा चूतिया बनता है तू। अब आते हैं वो तफसीर के ऊपर। नहीं बनूंगा मैं ये जो कुछ लिख रहा हूँ इसको मान ही नहीं रहा हूँ। नहीं मान जलेबी ना बना मैं यार, मुझे ना फंसा, फंस गया है तू क्योंकि तूने खुद कहा कि मैंने गाली नहीं दी और मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। तू ऑलरेडी फंस चुका है। अब जब एडम इसको समझ में आ गया कि फंस गया तो अभी अपना हाँ। स्टेटमेंट चेंज कर रहा है कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। साहिल ये देखें, मैं अगर स्क्रीन दिखाऊं आपको इब्ने कसीर दिखाता हूँ शुरू से। इब्ने कसीर शुरू में कहता है, ये देखिए इब्ने कसीर है ताकि किसी को शक ना हो, इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर सिंपल लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अपने नबी को और आपके मानने वालों को मुशरिकीन के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाता है। टू बिगिन विद वो ये कह रहा है, उसके बाद हाँ। वो पूरा वाकया बयान करता है जिसे कहते हैं लोग शान नजूम, उसमें वाकया आपको पता है। लेकिन वो अपने चचा से उसके मोहम्मद के चचा से बात कर रहे हैं, भाईजान अपने बेटे को समझाओ ये हमारे माबूदों को गालियां दे रहे हैं वरना हम भी इसके माबूदों को गालियां देंगे। तो बस हम कह देते हैं कि या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं वरना फिर हम भी आपके और आपके माबूदों को गालियां देंगे, आपको यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल इज्जत ने ये आयत उतार दी इसी मसलियत को मद्देनजर रख के। तो भाई हाँ। देखें जब क्लियर लिखा हुआ है, शान नजूल भी लिखा हुआ है, ये बंदा रिजेक्ट कैसे कर रहा है इसे ये पूछ लें यार। हाँ, और इसका आर्ग्यूमेंट जो है ना वो इस एग्जाम्पल से तबाह हो जाता है। जो आर्ग्यूमेंट ये देगा कि वो गालियां नहीं दे रहे थे तो इसका आर्ग्यूमेंट इस बात से खत्म हो जाता है जो मैंने एग्जांपल दी कि अगर गालियां वो नहीं दे रहे थे तो उनको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रेस करना चाहिए था कि भाई तुमने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, मैंने तो गाली दी नहीं, तुम कैसे भाई अल्लाह ने एक्सेप्ट कर दिया मोहम्मद ने गाली दी और क्या चाहिए आपको। ये कौन होता है अल्लाह ने एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई तुम गालियां देना बंद करो, तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि रसूलुल्लाह ने गाली दी थी वरना वो ऑब्जेक्शन उठाते कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। इसी वजह से अल्लाह ऑब्जेक्शन उठा रहा था साहिल भाई, अल्लाह की गेम है यहां पे कुरान है, अल्लाह ने बोल दिया डायरेक्टली साहिल भाई, अल्लाह कहता भाई ये गालियां नहीं है, बिल्कुल गालियां मत दो। हाँ जी भाई, सलमान भाई क्या कहना है इस पर अभी? तो जो अच्छा एक मिनट
तुम इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग कि आप सल्लम गाली देते थे तो वो क्या कहते थे पहले एक बार बताओ बताओ। अल्लाह उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, सवाल ये है ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? और सीधा अरे सलमान 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 सवाल सुन ले, दो सवाल है। एक, रसूलुल्लाह ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि भाई मैंने गाली नहीं दी, आप इल्जाम लगा रहे हो? और दूसरा, अल्लाह ये क्यों मान रहा है कि वो गाली दे रहे थे और उनको मना कर रहा है कि गाली मत दो? ये दो सवाल का जवाब दे दो, तीसरी बात नहीं चाहिए हमको। देखिए, उर्दू जबान में हो चाहे अरबी जबान हो, यहाँ दो तरह से बुरा भला, ये बुरा भला कहने को भी सब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला यहूदो नसारा पर लानत फरमाए, इसी तरह से लानतुल्लाह अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत हो, इसी को लोग कहते थे कि आप हमें जो है हमारे माबूदों को बुरा भला क्यों कहते हो, यही सारी चीजें थी। अल्लाह झूठ बोल रहे हो once again, झूठ बोल रहे हो once again, let me answer you, इसी में लिखा है, इसी में लिखा है, जो खलीजी अरबी वो आज भी इस तरह इसी में लिखा है, बैक स्टेज इसी में लिखा है। इस पर रब्बुल इज्जत ने आयत उतारी, इसी मसलियत को मद्देनजर रख के रसूल ने फरमाया वो मलून है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। वंस अगेन, माँ बाप को गालियां देना इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट में लगाया हुआ है, ठीक है? तो माँ बाप को गाली देने वाली वो मन वो सब है, ठीक है? सहाबा ने कहा, हजूर ने कहा, कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकेगा? इस पर आपने फरमाया जो दूसरे के माँ बाप को गाली देगा उसने अपने माँ बाप को गाली दी। वंस अगेन, आप इसको अगर आप तफसीर पढ़ते हो, लास्ट टाइम भी आप तफसीर कर रहे थे, लास्ट टाइम भी आपको तफसीर दिखाई थी, जब मैं तफसीर दिखाता हूँ आप तफसीर से भाग जाते हो, तो तफसीर करते क्यों अगर तुमने उससे भागना है? तो मेरी तुम्हारे से लास्ट टाइम भी लड़ाई यही हुई थी, मुझे गुस्सा भी इसी पे चढ़ा था, पहले तफसीर बोलते हो और जब मैं तफसीर में जाता हूँ तब अपनी हुज्जत प्रेजेंट करना शुरू कर देते हो, क्यों भाई? लाएं साहिल भाई, ये जो बकवास कर रहे थे वो इसी तफसीर में खत्म हो गई भी है। देखते हैं क्या जवाब देते हैं। यार साहिल भाई, अगर आप मुझे नीचे कर रहे हो इसका मतलब आप हार रहे हो, डर रहे हो मुझसे? अगर नहीं डर रहे हो तो फिर यही रहने दो ना। आप नीचे के लायक वाले काम करते हो कि आपको नीचे झुका के लिया जाए तो नहीं, मैं एक लफ्ज भी बोलता हूँ नीचे नहीं कर देते हो, ये तो आप डर रहे हो ना आप, वरना रखो मेरे को सामने। आई बस, सब्बहू का मतलब, पहले अरबी हम लैंग्वेज में जाते हैं, सब्बा का मतलब गाली भी हो जाती है, सब्बा का मतलब आर दिलाना भी होता है, या रहू अरबी में मैंने कहा ना दोनों के माने आते हैं, लेकिन यही कहा था कौन सी गाली दी, गाली साबित करो कौन सी, अल्लाह ने मान ली है कि वो गाली दे रहे हैं, अल्लाह ने यही माना कि जो है उनको अगर लानतुल्ला कहोगे तो वो भी नहीं, लानत तो आपने करनी है कुरान में, अल्लाह कहता लानत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, झूठ है, अल्लाह कुरान में कहता है कि काफिरों को गाली दो, साबित कर तू मलून, साबित कर कौन सी गाली सल्लम ने दी थी, साबित कर, तेरे बाप साबित नहीं कर पाएगा, ओए साबित कर ना, शराब पीने वाले खिंजीर। और थोड़ा चिल्ला भाई, थोड़ा तेज यार, मैं चिल्लाऊं? मेरे पास बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, चिल्ला 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 यार। साहिल एक बात सुनो, मसला ये है कि इन्होंने कहा अल्लाह ने लानत भेजी है। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, जो अल्लाह को इख्तियार है क्या तुमको भी इख्तियार है? अल्लाह तो जो है कहता है अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी से क्या किसी चीज में किसी के ऑर्डर का मोहताज नहीं है, वो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो सब पर कानून लगाता है अल्लाह, वो लानत भेजता है। अब सुनो, ऐसे ही लानत भेजता है अल्लाह, मुतकब्बिर तकब्बुर करना यानी घमंड करना, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब अल्लाह लानत भेज सकते हैं, मुसलमान नहीं भेज सकते ना? क्या क्या चीज़ अल्लाह लानत भेजता है काफिरों के ऊपर, मुसलमान ही ना भेज सकते? तो इसीलिए मना किया गया, नहीं नहीं ना, ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 52, उलाइक अल्लज़ीना लानहुम अल्लाह, यहाँ पे मुसलमानों को आगे लानत भेजो, अब क्या करें? अरे सुन तो भाई, पूरी बात खत्म हो गया, बाय बाय हो गया, टाटा हो गया, सही खत्म कर दिया इसको, पैदा होने से पहले मुका मैंने, किधर जाएगा, किधर जाएगा, अरे रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा भाई, रोता मैं नहीं, मैं तो हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तो
बहस कर, इस पे बहस करना। हमने ये कहा भेजता है अल्लाह ने लानत भेजी, उसने इंसानों को मना किया है, इंसान आज के दौर में नहीं बजा गया, देखो गाली नहीं दे सकता है, वरना काफिर अगर जो है अल्लाह को गाली दे, इसीलिए मना किया गया, अल्लाह कुछ भी करे। चैप्टर नंबर 6 में लानत का लफ्ज है, तो अल्लाह के लिए है ना, अल्लाह ने लानत भेजी है। चैप्टर नंबर 6 में लानत का लफ्ज है। अरबी में एक लफ्ज दूसरे लफ्ज का मुमासिल हो सकता है? नंबर 6 में लानत का लफ्ज है। सिनोनियम्स के कायल हो? सिनोनियम्स से कायल हो या नहीं? चैप्टर नंबर 6 में लानत का लफ्ज है। अरे भाई मुमासिल लफ्ज के कायल हो कि नहीं? चैप्टर नंबर 6 में लानत का लफ्ज है। मुमासिल लफ्ज के कायल हो कि नहीं? Okay, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे लानत नहीं हो रही थी। अब आपको लानत साबित करनी है। इब्ने कसीर ने लानत नहीं लिखा ना? कौन सी गाली आप सल्लम देते थे? सलमान इब्ने कसीर ने लानत का लफ्ज यूज नहीं किया। कसीर ने, तो तर्जुमा गलत कर रहे हो, इब्ने कसीर ने लिखा। ओके, ये तर्जुमा मैंने किया कि आपके स्कॉलर से किया, मैं अरबी भी ला देता हूँ। हम अल्लामा है, अब तुम बताओ, हमसे बहस करो। आप अल्लामा? अबे आप अल्लामा नहीं है, आप माँ के पिछवाड़े से पैदा हुई हुई कौम है। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इब्ने कसीर ने, तुम्हारे दहरियों में, स्कॉलर्स ने, तुम्हारे हमारे आपके स्कॉलर्स ने इसको लानत नहीं लिया। डोंट टेल मी दिस, ये मैंने ट्रांसलेशन नहीं की, मेरी ट्रांसलेशन नहीं है, ये आपके स्कॉलर्स की ट्रांसलेशन है। अच्छा, इब्ने कसीर को छोड़ दें, हम ऐसा करते हैं कुर्तबी भी चले जाते हैं। कुर्तबी क्या कहते हैं? दिस इज अल कुर्तबी, सेम आयत, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108, उसको देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं? मसला नंबर 1, बस सुभान अल्लाह ने मोमिनों को इससे मना किया इनके बुतों को बुरा भला कहें, क्योंकि वो जानता है जब इन्हें बुला भला कहेंगे तो कुफार नफरत करेंगे और अपने कुफर में भर जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, कुफारे कुरैश ने अबू तालिब को कहा, यहाँ तो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके सहाबा को हमारे इलाहों को बुरा भला कहने, इनसे नफरत करने से मना करें, या फिर इनके भी इलाह को हम बुरा भला कहेंगे, इनकी हिज्जू करेंगे। तब ये आयत नाजिल हुई। वंस अगेन यहाँ पे सारी बात के मोहम्मद ये हरकत कर रहा था, और चूंकि ये मक्कन सूरत है, इस वक्त मोहम्मद लड़ाई के लिए शुरू नहीं हुआ। जैसे ही मदीनी सूरत शुरू हुई तो उस वक्त ये एब्रोगेट हो गई। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि ये एब्रोगेट हो गई हुई है अगली आयतों से, सूरह बकरा की आयतों से ये एब्रोगेट हो गई हुई है। तो यार क्यों रोते हो यार, तुम लोग क्यों रोते हो? बिला वजह ऐसा झूठ क्यों बोलते हो जिसको तुम लोग साबित भी नहीं कर सकते?